गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक ऑल इन वन ईपी, इसी से अभी हम पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं ना आपकी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा आ से आहा, है ना, का से जा। अब इसको हम आगे फिर पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले रीडिंग करेंगे बुक की, क्योंकि जब तक हमको पढ़ना नहीं आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ना सीखेंगे, अक्षरों को पहचानना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लिखना सीखेंगे। जब हम अक्षरों को पहचानने लगेंगे, आप लोग अभी छोटे हैं, नए क्लास में आए हैं, तो अभी आप लोग की पढ़ाई शुरू हो रही है, तो जब तक आप लोग अक्षर को नहीं पहचानेंगे, अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप लिखना कैसे सीखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अक्षरों का ज्ञान करेंगे, अक्षरों को सीखेंगे किस अक्षर से क्या होता है, कौन सा अक्षर है, तब उसके आगे हम लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए, ठीक है, और जो हम पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं टीचर के साथ, उसको पढ़िए। तो ये आपकी बुक है और ये है हिंदी, ठीक, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं, आप लोग भी बुक अपनी ओपन कर लिए होंगे और हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। स्टार्ट करें, आप लोग भी फिंगर रख रख के पढ़िएगा, ठीक है। जैसे हम पेंसिल रख के आपको बता रहे हैं कि केस से क्या होता है, किस अक्षर से, तो वैसे आप लोग भी फिंगर रख के पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। छोटा आ लिखा है, ये क्या लिखा है, छोटा आ, तो छोटा उसे होता है अनार, ये क्या है, अनार है। और क्या होता है, आ से अनार भी होता है, आ से अजगर भी होता है, और आ से अदरक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, बड़ा आ, आ से अनार के बाद आता है आ से आम, ये आम बना हुआ है और ये बड़ा लिखा हुआ है, और आ से आलू, आ से आरी। अब देखिए, आ से अनार के बाद आ से आम आता है, और आ से आम के बाद क्या आएगा, छोटी ई, और छोटी ई से होती है इमली, छोटी ई से इमली, और ये है इमरती और ये है इमारत, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आ से अनार के बाद आ से आम के बाद छोटी से इमली। अब देखिए, छोटी से इमली के बाद क्या आएगा, तो बड़ी ई से इंक, ये ई, बड़ी ई लिखा है, बड़ी से होता है ईख, ईख बना हुआ, ई को गन्ना भी कहते हैं, ई से ईठ, ई से ईद। अब देखिए, बड़ी ई से, बड़ी ई के बाद क्या आएगा, तो छोटा ऊ आता है। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से इंक, और बड़ी से के बाद छोटा ऊ आता है, और छोटा ऊ से होता है उल्लू, ये क्या है, उल्लू बना हुआ है, छोटा से उल्लू, ये है उपवन, बगीचा, ये उस्तरा, ठीक है। अब देखिए, छोटा ऊ से उनके बाद क्या आएगा, तो छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, क्या आता है, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ से होता है ऊन, बड़ा ऊ से क्या होता है, ऊन, और बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा उसे ऊंट बिलाव भी होता है। अब देखिए आगे, बड़ा उसे उनके बाद क्या आएगा, री, और री से होता है ऋषि, ये ऋषि है, क्या है, ये ऋषि है, री से ऋषि। अब देखिए, री से ऋषि के बाद ए आता है, री से ऋषि के बाद ए आएगा, और ए से होता है एड़ी, ये एड़ी है आपका, ठीक है, ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक तारा। अब देखिए, ए से एड़ी के बाद क्या आता है, आए, ए के बाद क्या होता है, ए, और ऐसे होता है ऐनक, जो चश्मा आप पहनते, सभी लोग पहनते हैं, उसी को कहते हैं ऐनक। तो ये क्या है, ऐसे ऐनक, ऐसे एवरेस्ट, ऐसे ऐरावत, मीन्स हाथी। अब देखिए, ए के बाद आता है ओ, और ओ से होता है ओखली, ओ से क्या होगा, ओखली होता है। अब देखिए, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। अब देखिए, ओ के बाद आता है आओ, और अ से होता है औरत, अ से औरत, अ से औजार, अ से औषधि। फिर अंग से अंगूर, और आहा से कुछ नहीं, अंग से अंगूर, और आहा से कुछ नहीं। ये तो आप लोगों ने पिक्चर के साथ पढ़ लिया, अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, बिना पिक्चर के, ठीक है, आ से आहा तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। देखिए, ऐसे, आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंक, छोटा से उल्लू, बड़ा उसे ऊन,
ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर और आह से कुछ नहीं। फिर देख लेते हैं, आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। फिर इसको हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, जितनी बार अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही हम लोग को समझ में आएगा, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमको याद होगा। तो ये क्या लिखा है, इसको पेंसिल लेके डार्क हो जाएगा, आ से अनार। तो ये क्या लिखा है, आ से अनार, ठीक। ये लिखा है आपका आ से आम, आ से आम। ये है छोटी से इमली, फिर बड़ी से ईख, फिर छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, फिर ए से एड़ी, फिर ऐ से ऐनक, फिर ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आह से कुछ नहीं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। फिर ऐसे पढ़ेंगे, आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। इसको जितनी बार हम पढ़ेंगे अच्छे से उतना ही हमको जल्दी याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको खूब अच्छे से याद करना, लर्न करना है, तभी आप लोग अक्षर पहचान पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लास वर्क और होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लोग भी अपने अपनी कॉपी ओपन कीजिए, क्लास वर्क पहले क्लास वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या लिखा था देखा जाए, ये यही सीखे थे ना, लाइन खींचना। अब इसके आगे का हम सीखेंगे, देखिए यहाँ डालेंगे सी डब्ल्यू। आप भी अपनी अपनी सी डब्ल्यू की कॉपी निकाल लीजिए, क्लास वर्क कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ तो अब शुरू करते हैं लिखना। लाइन खींचना हमने लिखा था, आज उसके आगे का सीखेंगे। देखिए ऐसे, ठीक, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा, आपके पेरेंट्स में आपकी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट करना है, उसी डॉट डॉट को आपको मिलाना है। ठीक है, जब ये आप लिखना सीख जाएंगे तो आपको फिर हम ऐसे अनार बनाना सिखाएंगे, लेकिन पहले इसको सीखना है आपको। ठीक है, ऐसे आपके पेरेंट्स ऐसे इसमें कर देंगे और आपको क्या करना है, डॉट को डॉट से मिलाना है बच्चों, ऐसे देख लीजिए। ठीक, देखिए, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स ऐसे कर देंगे और आपको क्या करना है, पेंसिल की सहायता से डॉट को डॉट से मिलाना है, है ना, ऐसे देखिए। ठीक, अब इसको क्या करना है, हम ऐसे पेंसिल पकड़ेंगे। ठीक है,
ऐसे हम पेंसिल पकड़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये डॉट है इस डॉट को धीरे धीरे इस डॉट से मिला देंगे, फिर इस डॉट पर पेंसिल रखेंगे और इस डॉट को धीरे से इस डॉट से मिला देंगे, फिर इस डॉट पर ऐसे पेंसिल रखेंगे इस डॉट को धीरे से इससे मिलाएंगे, फिर इस डॉट को पेंसिल रखेंगे इस डॉट को इससे मिला देंगे। ऐसे ही हर डॉट को डॉट से मिला देना है, आपको लिखने आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ठीक। इस डॉट पे रखेंगे और धीरे से डॉट को मिला देंगे, देखिए ऐसे आया ना बच्चों, धीरे धीरे पेंसिल चलाएंगे तो आपको डॉट को डॉट से मिलाने आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे देख रहे हैं, मिल आ रहा है, अपने आप लिख रहा है ना, लाइन खींच रही है धीरे धीरे। अगर हम डॉट पे डॉट डॉट पे पैसे पेंसिल रखना है और ऐसे ही धीरे से डॉट को डॉट से मिला देंगे, देखिए ये बन गया ना, डॉट से डॉट को मिला दिए, एक लाइन खिंच गई आपकी, देखिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्लास वर्क, ठीक है, ये क्लास वर्क कंप्लीट हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम होमवर्क। यहाँ लिखेंगे एच डब्ल्यू, होमवर्क कॉपी निकालेंगे और एच डब्ल्यू लिखेंगे, फिर यही चीज़ हम फिर होमवर्क में भी करेंगे, ठीक है, तभी तो लिखने आएगा, जब किसी चीज़ को कई बार लिखते हैं तभी उसको लिखने आता है, उसमें भी ऐसे डॉट को डॉट से मिलाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके पेरेंट्स डॉट डॉट बनाएंगे और आपको उसी पे पेंसिल चलाना है और उसको मिलाना है, ठीक, ऐसे डॉट को डॉट से मिलाना है। देखिए आ गया ना समझ में, ऐसे आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने बताया है धीरे धीरे पेंसिल से चलाएंगे और डॉट को डॉट से मिलाते जाएंगे, जितनी जल्दी आप ये सब सीख लेंगे तब ऐसे अनार बनाना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले इसको सीखना जरूरी है कि पेंसिल पकड़ने आ जाए आप लोगों को कायदे से, तब तो ऐसे अनार बनाएंगे, तो पहले इसको आप लोग ऐसे सीख लीजिए, ठीक है, ऐसे आपके अपनी पेरेंट्स हेल्प लेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे और आप ऐसे डॉट को डॉट से मिला देंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। हो गया ना आपका ये होमवर्क भी हो गया, देखिए ठीक है, होमवर्क क्लास वर्क दोनों कंप्लीट हो गया आप लोगों का, देखिए और ये आपका क्लास वर्क है, जो क्लास वर्क किया है आप लोगों ने वही होमवर्क में भी करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, देखिए तो क्लास वर्क होमवर्क दोनों कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, पहले आ से आह तक को खूब अच्छे से पढ़ लेना है, जब आ से आह तक आपको पढ़ने आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले पढ़ लीजिएगा बुक, खूब रीडिंग कीजिए, खूब पढ़िए मेरे, ठीक है, डेली पढ़िए बुक को, तो आपको बहुत जल्दी आज से आज तक याद हो जाएगा, जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चीज के साथ मिलेंगे, ठीक है, जो हमने बताया है उसको ध्यान से पढ़िए समझिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको लिखना सीखिए, डॉट को डॉट से धीरे धीरे मिलाइए तो आपको लिखना आ जाएगा, ओके, धन्यवाद।